जी मेरी बहन, तू सभी तो कोई परफॉर्मेंस दिखाओ। बहन मेरी प्रॉब्लम है वे कि मैं जी में खड़ा थी था ए शुरू थी मुझे तो मैं कुछ सामने की में करा ओए डायलॉग की सुना जा। हम एक बार जीते हैं एक बार मरते हैं वाह, और प्यार भी एक बार होता है एक बार ही होता है। ओके 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 कम ऑन कमरी जी, वो एक शरीफ आदमी है। या और मैं सिर्फ गौरी से प्यार करता हूँ। आफ्ताब जी, अभी आप प्रोफेशनलिज्म की बात कर रहे थे तो मुझसे बड़ा प्रोफेशनल कोई नहीं है। ये नए चैनल पे भी यही होगा, हर चीज वही होगी जो पहले होती थी, सिर्फ डन इन अ बेटर वे। ओके लेट मी टॉक, 20,000 रुपए दूंगा। नो नो, बाद में दूंगा, लेकिन मुझे बात करने दोगे तो दूंगा, ऐसे कैसे? ये क्या कह रहा है? वो उधार नहीं कर रहा आपसे, कह रहा है अभी पे करो अगर आगे चलना है तो। मैं अपने प्रोफेशनलिज्म की बात बताने वाला था, लेकिन लेट मी टॉक। ओके, मुझे याद है दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, स्विट्जरलैंड की सर्दी। कमरे जी, मुझे वाकया बताने दीजिए। एक बार मैं स्विट्जरलैंड के मरगजारों में सैर सपाटा कर रहा था काजोल के साथ। कमरे जी, वो फिल्म थी, फिल्म थी, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, उसकी उसकी शूटिंग 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 के दौरान। असल में उसे काजोल बहुत पसंद है, उसे गुस्सा चढ़ा है। ओह गॉड, ओके ओके। और इत्तेफाक से उस दिन काजोल बहुत हसीन लग रही थी। ओके ओके, लग रही थी। आफ्ताब जी, ओके 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 ओके। जैसे ही वो मेरी तरफ आई, आगे बढ़ी, आंखें चार हुई, पीछे गिटार बजना शुरू हुए, और अचानक उसका पैर फिसला और मैंने उसको यूं पकड़ लिया। उसका नाम ले सही हूं, तेरे कलेजे च लत मारनी। वाह वाह पुनू साहब, वाह वाह, क्या बात की है राणा साहब। आराम नाल नु पुनू साहब नहीं कहना। नहीं नहीं, इस बात के बाद ये पुनू साहब ही है। ओ बस करे राणा साहब, आप भी इसी थैली के चटे वटे हैं भाई, तेरा फिटे मुंह। एक सेकंड इधर ही रुकना है, म्यूजिक। धंतना तड़ धंतना तड़ धंतना तड़ धंतना तड़ धंतना तड़ धंतना तड़ धंता तड़ धंता तड़ गड़ धंतना तड़ धंतना तड़ धंतना तड़ धंतना कड़ना कड़ कड़ना कड़ धंगड़ना कड़ धंगड़ना कड़ धंगड़ना। बच्चे हैरान हो रहे हैं कि क्या हो गया राणा साहब। आपको खुशी है? खुशी है और कुछ नहीं है। खुशी का इजहार करें जरूर, लेकिन ये नाच गाना क्या होता है? छोड़ें इसे, वैसे बात तो आपने सीरियस की है ना, क्योंकि आपका सोर्स हमेशा ऑथेंटिक होता है। नहीं नहीं, ये तो मुखातिब करने का तरीका होता है, मैंने वो किया। और मैं ये बताना चाहती थी आफ्ताब, देखो इनके बेड़े गर्क हुए हैं असन निसार साहब के, इनके लुक एट मी। आप वाकई बहुत फ्रेश लग रही हैं, ताजा दम लग रही हैं। एब्सोल्युटली, क्योंकि आपके पास देखे क्या पड़ा हुआ है। क्या पड़ा हुआ है? पटी। कुछ भी नहीं इसके अंदर। तो फिर क्या करें, दिवालिया हो जाए, IMF को कह दे कि go to hell। ऐसी हरकतें क्यों करते हो? कौन सी? कि लाइफ सेविंग ड्रग्स की जरूरत पड़े और तुम्हारे बेड़े गर्क हो, अपना लाइफस्टाइल ही ठीक कर लो। थोड़ा खाओ ताकि तुम्हारा बीपी नॉर्मल रहे, तुम्हें शुगर ना हो, तुम्हें हार्ट अटैक ना हो, मरो।